तो सैमसंग एंड्रॉयड 13 बेस्ड वन वाई 5.0 का जो टेस्टिंग है वो अपने काफ़ी सारे डिवाइसेस के साथ कर रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि सैमसंग ने अपने किन किन डिवाइसेस के अंदर एंड्रॉयड 13 बेस्ड वन वाई 5.0 की टेस्टिंग की है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 95 लाइक, 95 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डिवाइस है हमारा S21 Plus। बात करें फार्मवेयर की तो यहाँ पर एक फार्मवेयर को टेस्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट बिल्ड नंबर जो कि 8 अगस्त को टेस्ट किया गया है और यहाँ पर वन यूआई अपडेट बता रहा है। इसके अलावा बात करें तो S21 Ultra के लिए भी एक फार्मवेयर को टेस्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट बिल्ड नंबर जो कि 8 अगस्त को टेस्ट किया गया है और यहाँ पर भी वन यूआई अपडेट बता रहा है। इसके अलावा बात करें तो सैमसंग A32 पर एक फार्मवेयर को टेस्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट बिल्ड नंबर जो कि 9 अगस्त को टेस्ट किया गया है, क्योंकि सैमसंग ने आज ही टेस्ट किया है और सैमसंग लगातार टेस्टिंग कर रहा है। सैमसंग ने कुछ समय पहले ही A32 पर टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है रशिया में, और हो सकता है कि हमें नवंबर में अपडेट भी देखने को मिल जाए नवंबर दिसंबर तक। इसके अलावा बात करें तो A52 पर भी एक फॉर्मवेयर को टेस्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट बिल्ड नंबर जो कि आज ही 9 अगस्त को टेस्ट किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन यूआई अपडेट बता रहा है। तो सैमसंग A52 और A32 दोनों ही डिवाइसेस पे सैमसंग टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है रशिया में। तो यही कुछ डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस में सैमसंग ने एंड्रॉयड 13 बेस्ड वन यूआई 5.0 की टेस्टिंग की है कुछ समय पहले ही। तो देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है, और भी अगर कोई न्यूज आएगी या फिर अपडेट आएगा तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।